नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूनम निषाद। ऋषि सुनक जी को नए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने पे हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो ब्रिटेन के पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। वो वहाँ के 97 मतलब, और जो उनकी पत्नी है अक्षिता, अक्षिता वो हमारे भारतवर्ष की नागरिक हैं, और वो ब्रिटेन में उनके साथ पढ़ती थी, और फिर उन्होंने वहाँ पे 2009 में शादी कर ली, और 12 मई 1980 में ब्रिटेन में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी ब्रिटेन में हुई। 2009 में उन्होंने अक्षिता मूर्ति जी से शादी कर ली थी। उनकी दो बेटियाँ हैं, एक बेटी का नाम उनका कृष्णा सुनक है और दूसरी बेटी का नाम अनुष्का सुनक है, और वो भारतीय हैं। इस बात से हमें बहुत खुशी हुई। ऋषि सुनक जी ने कहा था अपने भाषण में कि मैं ब्रिटेन का निवासी ज़रूर हूँ, पर मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति, ये सब कुछ भारतीय है, और मुझे गर्व है कि मैं एक भारतवासी हूँ। 2022 को वो वहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए। उनको 185 सांसदों का समर्थन मिला, तब वो वहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए। हमारे लिए, हमारे के पहले ऐसे मंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने गीता पे हाथ रख के शपथ ग्रहण की। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से वो वहाँ पे पैदा होने के बाद में, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के बाद में भी वो ब्रिटेन में अपनी सभ्यता को नहीं भूले। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। हमारे तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, हमारे देश की तरफ से ऋषि सोनक जी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अभी वो पूर्ण बहुमत से जीते थे। 2017 में फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, तब भी वो पूर्ण बहुमत से जीते, और 2020 में 19 में भी चुनाव लड़ा, तब वो सांसद बने, ब्रिटेन के सांसद बने, तभी भी वो पूर्ण बहुमत से जीते और वहाँ पे सांसद बने, और 2020 में रहे थे, और 2020 में वो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, और फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद में अब वो वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। तो जब वो वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए तो हम सब लोगों की तरफ से उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जाना तो हमें बड़ी खुशी हुई कि वो भारतीय होने के साथ साथ में भारत की सभ्यता का, भारत के संस्कार का, भारत में जो भी संस्कार, जो भी सभ्यता है, उसका बहुत आदर करते हैं। वहाँ पे एक मंदिर है कृष्ण भगवान जी का, वहाँ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने अपने परिवार के साथ जाते हैं, और बचपन से ही उनका भारत के प्रति बहुत प्रेम और बहुत स्नेह है। जीत हासिल कर ली, क्योंकि वो उन्होंने रिचमंड का चुनाव लड़ा, तब भी 2015 में तब भी वो जीते, 2017 में भी पूर्ण बहुमत से जीते, और 2020 में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की पदवी संभाली। ये एक बहुत बड़ी बात है। और 2022 में वो पूर्ण बहुमत से जीते, 185 सांसदों ने उनको वोट दिया और उन्होंने चुनाव लड़ा और वो वहाँ के प्रधानमंत्री बने। इसलिए हमेशा ऐसे कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें, और ऐसे ही भारत के जो प्रति उनका प्रेम है, जो उनका विश्वास है, जो आस्था है, वो हमेशा। बात हमें ये लगी कि उन्होंने गीता पे हाथ रख के, भगवद गीता पे हाथ रख के वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में भगवद गीता पे शपथ ग्रहण की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और हमारी तरफ से, हमारे देश की तरफ से ऋषि सुनक जी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।